हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल ही नवोदय विद्यालय की तरफ से एनबीएस, जेएसए और भी कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया था। तो मैंने उसमें जितनी भी पोस्ट थी उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दी थी, और यह भी बोला था कि मैं जितनी उसमें पोस्ट है उनका सबका एक अलग अलग वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी ये समझने में कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ उसमें क्या क्या चीजें मांगी गई हैं और उस पोस्ट का क्या काम है, क्या सैलरी वगैरह था, सारा कुछ। तो इस वीडियो में मैं आपको एमबीएस जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में टोटल कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, और मैं एज ए जेएसए वर्क कर चुका हूँ इन नवोदय विद्यालय में, तो आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि एमबीएस में किस तरीके का काम होता है और क्या काम होता है, डेली लाइफ रूटीन क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, और अगर आप एज ए एमबीएस में ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से आपके साथ चीजें रहने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो में फुल डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। अपने ये वाला कल मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, ये देखिए, ये मेरा चैनल है द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, यहाँ सब्सक्राइब का बटन होगा, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एनबीएस के रिगार्डिंग में अगर आपको टोटल जानकारी चाहिए ना, तो इससे पहले वैकेंसी निकली थी 2019 और 2022 में, वहां पर आप ये देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पर एनबीएस जेएसए एग्जाम लिखा है। एक नीचे आपको दिख रहा हूँ 174 टोटल वीडियो डले हुए हैं। तो आपके उस समय क्या क्या प्रोसेस थी, प्रीवियस पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या गया था, सारा कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको नए वीडियोज भी बनाकर बताऊंगा कि ये चीज हुई है, बट आपको पहले से ऑलरेडी जानकारी चाहिए तो आप इस प्लेलिस्ट को, आपको जो भी जानकारी चाहिए इसमें लगभग मैं जानता हूँ कि 80-90% जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। इस वीडियो के खत्म होते ही ये प्लेलिस्ट आपको एंड में देखने को मिल जाएगी, या मैं इसे अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी शेयर ही कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ से तो ये शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो जिससे आप जो है मेरे को जो मेरा ये प्लेलिस्ट है पूरा ग्रुप में देख सकते हो, और वहां से आप जाके इसकी जो है तैयारी कर सकते हो, है ना। कोई मतलब आपको जो भी जानकारी चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल है, मैं टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने रात को ही इसका नोटिफिकेशन डाल दिया था ये, ठीक है, द एग्जाम पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, या टेलीग्राम पर सर्च मारेंगे ना, सर्च बार में द एग्जाम पर, तो वहाँ पर आ जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ये लीजिए, मैंने इसकी जो है आपके सामने ही प्लेलिस्ट यहाँ पर शेयर कर दी है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, इसको एक बार वॉच आउट कर लेना यहाँ से, प्लेलिस्ट पूरी, जिसमें आपको पूरी जानकारी इसके थ्रू पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसको आप ले लेना, मैंने पूरा बता दिया। और इसके अलावा जब मैं आपको, देखिए बहुत सारी वीडियो है ना, 174 वीडियो, और इसके अलावा जब मैं आपको इसकी तैयारी कराने वाला हूँ, जिसमें जीके जीएस वगैरह रहेगा, जैसे अभी ईएमआरएस का एग्जाम होता है उसके लिए मैंने करा था, ये केबीएस का एग्जाम होता है, या एनबीएस का 2022 में होता, उसके लिए भी मैंने आपको प्रिपरेशन कराई थी। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर वगैरह के वीडियो है, जीके के वीडियो है, मैथ्स के भी हमारे वीडियो ले, हिंदी के हमारे वीडियो ले, बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे और आने वाले समय में मिलेंगे। तो ये मेरा सेकंड चैनल जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके। ठीक है, द एग्जाम हेल्पर जीके, जीके लगा देना बस, एग्जाम हेल्पर क्या, तो इसे भी आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर फ्यूचर में हो सकता है आज ही शाम को मैं या दोपहर में आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैं कराने वाला हूँ, किस तरीके से पेपर आता है, पेपर में कठिनाई के लेवल क्या होता है, क्या स्तर रहता है, किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो सारा आपको कराने वाला हूँ। तो इसको भी जरूर आके सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम में, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, लिंक वर्क ना करे तो जहां पर ये चीजें मैंने बताई, सर्च कर करके आप ज्वाइन कर लें। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये मेरा पूरा डिटेल वीडियो था जो मैंने आपको कल बना के बताया था। ओके, चलिए, इसके अलावा देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरे ऑफिस का मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, जिसमें आप देख सकते हो कि जेएसए का ऑफिस किस तरीके का होता है, क्या मैंने थोड़ा थोड़ा सा 1-2 मिनट का वीडियो, तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं उसका क्लिप लगा दूंगा, वहां से देख लेना, या चैनल पर जाके एनबीएस की प्लेलिस्ट में आपको, या ऊपर सर्च मार देंगे ना ये ऑफिस टूर के नाम से, तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम है मैंने क्रैक किए। ठीक है, ये चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया। ठीक है, ये मेरा, ठीक है, मैं वर्क करता था, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, और वर्तमान में मैं भारतीय रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क ज्वाइन। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब हम इसका डिटेल में देख लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, तो देखिए कल ही ये आपका नोटिस आता है दोस्तों, जिसमें हमारा यहाँ से देखिए एनबीएस जेएसए के बारे में पूरी डिटेल में यहाँ पर दे रखा होता है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, एक नॉन टीचिंग पोस्ट के थ्रू आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एच को एच क्यू यानी कि हेडक्वार्टर या आरओ कैडर। एच क्यू आपका दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी अगर आप एचक्यू का फॉर्म भरते हैं आरओ का, और अगर आपको आरओ मिलता है तो इसके टोटल 8 रीजनल ऑफिस है जो कि ऑल ओवर इंडिया में इसके लोकेटेड है। ठीक है, और इन रीजनल ऑफिस के अंतर्गत किसी में 10, किसी में 15, इस तरीके से करके इसके जो पूरा ज्यूरिडिक्शन में जितने भी एनबीएस आते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां पर भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। जैसे कि ये वाला देखिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी केडर, है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो टोटल 2 कैडर में वैकेंसी निकली है, 3 बोल सकते हैं ना, ये पर ये एक में कर, दो एक में कमांड कर दिया और एक अलग से कैडर दिया। ठीक है, तो 2 तरीके की पोस्ट आपकी निकली हुई। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
टोटल 8 रीजनल ऑफिस हैं आपके, ठीक है, और 650 जवाहर नवोदय विद्यालय, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, स्थित दिल्ली के अंदर आता है बेसिकली, है ना। अगर तो प्रॉपर एड्रेस लेंगे तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चलिए, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको मेनली ले चलता हूँ इसके जो आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये पोस्ट है आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी हेडक्वार्टर या आरओ कैडर में। यहाँ पर आपकी टोटल जो पोस्ट है वो 21 पोस्ट, ठीक है। हेडक्वार्टर आरओ में कम ही पोस्ट निकलती है, क्योंकि ये क्या है, थोड़ी बड़ी संस्था है, तो इनमें कम मतलब इनका जो काम है वो सभी लोगों को देखना होता है, तो इनके ऑफिस कम है, तो इसमें पोस्ट भी कम ही निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है तो ये काफी अच्छा होगा, यहाँ पर सैलरी वगैरह थोड़ी आपको ज्यादा मिलती है, ठीक है, अलाउंस वगैरह पर्क्स वगैरह आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, आई होप आप समझ लेंगे। तो देखिए, इसमें कितनी है, यूआर की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 3 है, और एसटी की 1 वैकेंसी है, बाकी अदर्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विसमैन वगैरह की, ओके। तो ये आपको पूरे डिटेल में मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए, इस तरीके से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी की जेएनवी कैडर की पोस्ट है, जहां पर पोस्ट कोड इसका 10 रहेगा, इसमें टोटल 360 पोस्ट है, ठीक है। मैंने बताया ना 650 से ज्यादा क्या है अपने जेएनवी, तो यहाँ पर पोस्ट आपको ज्यादा देखने को मिलने वाली है। वो इसमें इन्होंने बोला है कि भविष्य में ये वैकेंसी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, उम्मीद रहेगी कि इसके चांसेस है बढ़ने के, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यूआर की पोस्ट की बात करें तो 145 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 36 पोस्ट है, ओबीसी की 86, एससी की 67 पोस्ट है, और एसटी की 26 पोस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, बाकी अदर्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पोस्ट का बता दिया कि कितनी कितनी किस कैटेगरी में पोस्ट है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसके लिए आपके पास सैलरी कितनी मिलेगी, क्या डिग्री डिप्लोमा चाहिए, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, नीचे चलते हैं। तो देखिए, ये आ गया आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर या आरओ कैडर पोस्ट कोड 9, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो डिटेल दी है ना, ये लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसका पे स्केल जो रहेगा दोस्तों, ये लेवल 2 की पोस्ट होती है, जहां पर आपका बेसिक पे जो रहेगा वो 19,900 रहेगा, और जो ये लास्ट जाता है वो 63,200 तक जाता है, ठीक है। तो 19,900 आपका जो है बेसिक पे यहाँ पर रहने वाला है, बल्कि इन ये आपका केवल बेसिक पे होता है, फिर इसमें आपका डीए जुड़ता है ना, एचआरए जुड़ता है, इसके बाद टीए जुड़ता है, इसके बाद स्पेशल अलाउंस भी यहाँ पर मिलते हैं कुछ, जो कि हार्ड स्टेशन पर या वेरी हार्ड स्टेशन रहते हैं उनको स्पेशल अलाउंस भी यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपकी जो सैलरी होती है वो 30,000 प्लस निकल जाती है। मैं सैलरी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, अपनी सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, तो उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल सैलरी भी आपको बताऊंगा, मैंने बता दी मोटा मोटा 30K, अगर मिनिमम सिटी में भी जाते हो ना आप, जेड सिटी में, तो 30K से ऊपर ही आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज होती है, क्वार्टर्स की फैसिलिटी होती है ना, फूड की फैसिलिटी होती है, ये सारा मैं आपको मैं अपने वीडियोज के माध्यम से बताऊंगा कि मैं मेरा ऑफिस कहाँ था, कैसे काम करता था, मैं खाना जो खाता था वो कहाँ पर खाता था, मेरी डेली का रूटीन पूरे मैंने वीडियो के क्लिप बना के रखे हुए हैं, मैं अब उनको डालने वाला हूँ डे बाई डे। तो आप दोनों चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, एक तो जीके वाला चैनल है एग्जाम जीके, एक टेलीग्राम है मेरा, है ना, और एक मेरा यूट्यूब चैनल जिसपे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, सभी जगह जितने भी मेरे चैनल है वहाँ पर जुड़ जाइएगा, कहीं पर भी मैं इसकी अपडेट डाल सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक ये वीडियो जो आएगा मेरे मेन चैनल पर आएगा द एग्जाम हेल्पर पर, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, आपका कोई भाई बहन है उसके साथ भी, ठीक है। चलिए, एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसकी एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल के बीच में, इसकी एज लिमिट रहती है, ठीक है, 27 है, और बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी को आपको 5 साल का मिलेगा, और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का आपका रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, अब असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा या 10th 12th क्या होना चाहिए। तो सिंपली आपने अगर 12th किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, सीधी बात, ठीक है, सिंपली 12th किया है, कुछ भी लिखा है आप मत पढ़िए, केवल 12th पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 12th पास है तो आपका एक पेपर हो जाएगा, पेपर के बाद क्या होता है आपका एक 200 टाइपिंग होती है, ठीक है। टाइपिंग में क्या होता है आपका 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कितना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ये आपकी जो होती है वो कंप्यूटर पोल होती है, ठीक है। मैं इसका आपको एक बिल्कुल जो एनवीएस के द्वारा इसका जो टाइपिंग टेस्ट लिया था उसका प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर आता है, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो मेरे पास उसका लिंक है, वो आपको बता दूंगा, बिल्कुल डिट्टो वही टाइपिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पूरा पूरी जानकारी दूंगा आपको, टाइपिंग कैसे होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, भर्ती कैसे होती है, काम क्या करना होता है, पूरी A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो चैनल पर ध्यान से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश में कितनी 30 वर्ड पर मिनट, वहीं हिंदी की बात करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए किसी भी एक, ठीक है, ध्यान रखना किसी भी एक में आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी, दो में नहीं मांगी जाएगी, जिसमें आप भरना चाहें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा डिजायरेबल जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है, इसका मतलब होता है अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है ना, ये मतलब नहीं, मेन नहीं, ठीक है, मेन जो है वो 12th पास होना चाहिए, है ना। और टाइपिंग स्पीड ऐसा नहीं कि अभी से आपको आना चाहिए, आप इसका फॉर्म भर दो, जब आपका रिजल्ट आ जाए, लगे टाइपिंग करना है तो तब आप टाइपिंग स्टार्ट कर देना, वो मैं आगे आगे आपको वीडियो बता दूंगा कि टाइपिंग आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जेएनवी कैडर है, सेम इसमें डिटेल है, ठीक है, डिटेल बिल्कुल सेम है, क्योंकि
पोस्ट सेम है, ठीक है, डिटेल सेम है, पोस्ट सेम, बट वर्क में अंतर क्या होगा, ये आपकी हेडक्वार्टर आरओ की पोस्ट है और यहाँ पर आपकी कहाँ की जेएनबी कैडर की पोस्ट है, बस वर्किंग में, वर्किंग नेचर में थोड़ा अलग होगा, थोड़ी सैलरीज में भी फर्क देखना, ज्यादा फर्क नहीं है, 2-4-5 हज़ार का फर्क पड़ता है, ठीक है, इतना ही फर्क आपका रहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। अब हम चलते हैं इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो क्या रखा गया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको नीचे सिलेबस पर ले चलता हूँ, ठीक है, नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए नीचे वाले में देखेंगे आप तो इसमें जैसे दिखेगा आपको, ये देखिए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर या आरओ कैडर या जेएनबी कैडर, इसमें आपका क्या होगा, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, यानी कि एक आपका सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, ठीक है, प्री एग्जाम बोलो या फेज वन बोल लो, ठीक है, जिसमें क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप इसे पास कर लेंगे फिर आपका क्या होगा टाइपिंग होगा, ठीक है, जब टाइपिंग पास कर लेंगे तो आपका क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस तीन सिंपल प्रोसीजर है, पर मेनली जो है आपका एग्जाम निकालना जरूरी है, बाकी के तो ये तो नॉर्मल है ना, टाइपिंग के नंबर नहीं मिलते, बस केवल पास करना होता है, बहुत ईजी टाइपिंग आती है, बहुत ईजी भाई, बहुत ईजी, ठीक है, अगर आप 2 महीने भी देंगे ना तो आपका टाइपिंग निकल जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये चीजें रहेंगी बस, ठीक है, दो मेन चीजें हैं इसमें बस, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। चलिए इतने सारे स्टेट हैं जहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम सेंटर्स के नाम रखे हैं, और इसकी जो टाइपिंग होती है वो दिल्ली में होती है, दिल्ली में इसके प्रॉपर जो इसका लैब्स वगैरह वो बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बता दी है ना, आप देखिए अब मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता देता हूँ, चलिए, ठीक है, दोनों दोनों पोस्ट के लिए सेम सिलेबस रहेगा, सेम टाइमिंग रहेगी, सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट होगा आपका, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जहां पर आपका पार्ट वन रहेगा, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, जिससे 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स बोलते हैं उससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, है ना, इसके बाद जीए एंड करंट अफेयर्स रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी प्रिपरेशन आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, है ना, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश से 15 15 मार्क्स आएंगे, ठीक है, यानी 15 का हिंदी आ जाएगा, 15 का इंग्लिश और 15 का हिंदी आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स मिलेंगे, इसकी भी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इसकी भी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, है ना। चलिए तो ये तीनों चीजें मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से सारे, और जो इसकी जो मैं देखिए प्रेपरेशन जो आपको कराऊंगा वो जीके वाले चैनल पर कराऊंगा, और जो भी इसकी जानकारी होगी वो मेरे मेन चैनल द एग्जाम हेल्पर पर आपको मिलती रहेगी, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका अभी आज शाम को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको आपका प्रीवियस ईयर पेपर किस तरीके का आता है वो आपके सामने लाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि इसमें किस किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ मैं इसका कट ऑफ भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर 2019 में क्या कट ऑफ रही थी, और इसके अलावा 2022 में क्या इसकी कट ऑफ गई हुई थी, ठीक है। चलिए और इसमें आपको टोटल जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की मिलेगी, टाइपिंग टाइम आपको पास सफिशियंट होता है, और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाती है, टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं, 130 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए ये जेएनबी कैटर है, सेम सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दी कि सिलेबस होगी क्या होगी कैसे होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेएसए का फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर उसकी आप प्रेपरेशन करेंगे, प्रेपरेशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसे आप पास कर लेंगे, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसे भी आप पास कर लेंगे, फिर आपका पास डीवी होगा, और डीवी के बाद आपकी डीवी डीवी में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, डीवी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली स्टेप्स है, इसमें इतना आपको करना है, प्रेपरेशन वाला जो चीज़ है वो आपको अभी से स्टार्ट कर देना है बिल्कुल, ठीक है, मैं भी आपको पूरी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है, और अभी आपको भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स डाल लूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि आपकी टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होती है, ठीक है। और इसका डिटेल जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है ना वो अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, बस इसका एडमिट कार्ड जारी किया गया कि इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, तो इसकी अभी जैसे ही इसकी डेट्स आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हालांकि इसकी जो पूरे पूरे उम्मीद है वो जून में इसका जो एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आने की पूरे पूरे चांस है, क्योंकि आपको मालूम है आचार संहिता लगने वाली है और आपका चुनाव होने वाले हैं अप्रैल के मंथ में, मई में उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस तरीके से चीजें देख सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग देखिए टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दी थी, आपको टेलीग्राम पर लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी जानकारी होती है ना मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 28 दिन को 28 मार्च को नॉमिनेशन होगा, 19 अप्रैल को पोलिंग डे है, नहीं अप्रैल में आपका वोट वोट करेंगे, काउंटिंग जो रिजल्ट आएगा वो 1 महीने बाद 22 मई को आएगा, और 30 मई को यहाँ पर नई गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि आपके पूरे पूरे चांस है कि जो ये भर्ती रहेगी आपकी जून के मंथ में पूरे पूरे आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए किस तरीके से अप्लाई करना है सारा कुछ आपको बता दूंगा जैसे आएगी, बट मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी में लग जाइए, ये वेट मत करिएगा कि जब इसका नोटिफिकेशन मतलब जिसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, भाई नोटिफिकेशन आ चुका है मतलब भर्ती पक्की है, ऑफिशियल अपडेट है एनबीएस के द्वारा जारी किया गया, बस इसमें केवल डेट का आना बाकी है कि कब इसके फॉर्म भरेंगे, कब इसका एग्जाम
होने वाला। और इसके जो फॉर्म भरेंगे ना तो 2 महीने के अंदर अंदर एग्जाम ले लेगा, 3 4 महीने 5 6 महीने के अंदर अंदर पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस आपकी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो इस चीज में इस भ्रम में मत रहिएगा कि जब ना जब चीज जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब मैं करूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात कर लें कि क्या फीस रखी गई है, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ये वाली पोस्ट है, ठीक है, जेएसए वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जेएसए वाली, ठीक है। इसके लिए ₹500 रखी गई है, ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है ₹500, टोटल ₹1,000 आपकी फीस रहेगी, ठीक है। एस सी एस टी पीडब्ल्यू की डी के जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर टोटल ₹500 लगेगी। एप्लीकेशन फीस नहीं लगे, प्रोसेसिंग फी है ₹500, ₹500 आपके टोटल यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो ये सारी दोस्तों चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की, है ना। और यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया। इसके अलावा जो जितनी भी पोस्ट हैं आपकी बच रही हैं इसमें, है ना, जितनी भी जो अदर पोस्ट हैं दोस्तों बच रही है ना, एमटीएस वगैरह की, मैस हेल्पर की, पूरा डिटेल वाइज प्रत्येक पर एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, पर्टिकुलर वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो जो आप जिस पोस्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए आप इसमें एलिजिबल कर देना और आपका फॉर्म भर देना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसका वर्क प्रोफाइल बता देता हूँ कि वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो वर्क प्रोफाइल सिंपल है, ऑफिस आपकी जॉब रहेगी, ठीक है, 10 to 6 जॉब रहती है, वैसे 9 to 9:30 से इसकी जॉब रहती है, बट जो है 10 बजे ही ज्यादातर लोग जाते हैं, 10 से 6 करते हैं, वैसे 9:30 से 5:30 रहती है, ठीक है। तो ये रहता, बाकी सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा वर्किंग रूटीन क्या रहता था, सारी चीजें आपको आने आगे आगे आने वाले वीडियोज में वीडियोज के थ्रू बताऊंगा मेरी जॉब कहाँ लगी थी, मेरे घर से कितनी दूर पोस्टिंग थी। हालांकि आप मेरे चैनल पर जाएंगे, है ना, तो वहां पर आपको भी ढेर सारी मेरी वीडियोज मिल जाएंगी एनबीएस से रिलेटेड, उन्हें जाके आप वॉचआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको लगभग पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं आगे आने वाले वीडियोस में उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।